तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या है, कि इसमें कहते हैं 100 बॉल इज अ मास मूविंग विथ स्पीड भी सिमल्टेनियसली स्ट्राइक ए वॉल नॉर्मल। अब ये देखो, एक यहाँ पर वॉल है और इस वॉल से बुलेट नॉर्मली स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वॉल है और इस वॉल से जो बुलेट है, यहाँ से बुलेट नहीं बॉल है, तो ये यहाँ से बॉल है, तो कोई बात नहीं, बॉल और बुलेट कोलाइड करे, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो ये बॉल है और ये जो बॉल है, ये ऐसे नॉर्मली कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मली कोलाइड, तो 100 बॉल्स इसमें से कोलिजन हो रहा है, 100 बॉल्स कोलाइड कर रहे हैं, हर एक का मास एम है, 100 बॉल इज अ मास कोलाइड स्ट्राइक वॉल, मतलब 1 सेकेंड में 100 बॉल, 100 बॉल इज अ मास मूविंग कोलाइड वार्नर बैक विद इन टाइम टी, टी टाइम में 100 बॉल कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ से 100 बॉल गए और फिर 100 बॉल वापस भी आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। और आने और जाने में जो इस टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है, वो टी टाइम में कोलिजन हो रहा है। टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाई द बॉल, समझ रहे ना। तो फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, फोर्स निकालते हैं एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम अगर देखोगे तो 100 बॉल्स उधर से वापस आ रहे हैं, तो अगर 100 बॉल ऊपर वापस आ रहे हैं, तो उनका जो फाइनल मोमेंटम होगा, एक बॉल का निकाल लो पहले, एक बॉल का, हाँ फॉर वन बॉल, एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बॉल का फाइनल मोमेंटम एम बी एक्स निगेटिव है माइनस यहाँ से एक बॉल का मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम एक बॉल का प्लस एम बी। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस एम बी इनिशियल मोमेंटम एम बी इज इक्वल टू -2 mb, और ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखोगे तो -2 mb आई कैप, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हमें अगर मैग्नीट्यूड ऑप्शन मैग्नीट्यूड में दिया है, तो चेंज इन मोमेंटम जो मॉड आ जाएगा वो 2 mb एक बॉल का आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम टोटल जो है, चेंज इन मोमेंटम टोटल आ जाएगा, कितने बॉल थे भाई, तो 2 mb और 100 बॉल कोलिजन किए थे, तो 100 बॉल किए तो 200 mb, दैट इज नथिंग बट इट इज़ द टोटल चेंज इन मोमेंटम। बात आ रहा समझ में। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर इतना आ गया और इसमें टाइम टी लग गया, तो एवरेज जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम टाइम टी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो 200 mb, और इसको चेंज होने में टाइम टी लग गया, और दिस इज़ द एवरेज फोर्स, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आप देखो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें से जो मैच कर रहा है वो अपना 200 mb, दैट इज सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।